कभी यहाँ कभी ना के बाद आखिरकार यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन का ऐलान। कांग्रेस 105 और समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस पार्टी के 105 उम्मीदवार चुनाव में उतारेंगे। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में मुफ्त 1 लीटर घी और प्रेशर कुकर का वादा। ऐलान के वक्त नहीं थे मुलायम। अखिलेश ने बीएसपी को पत्थर वाली सरकार बताया। सोचो टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का। यूपी में 155 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट। रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ कैंट से। सिद्धार्थ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से टिकट। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पंकज सिंह को नोएडा से दिया गया है। पंजाब के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र। हर परिवार के एक मेंबर को नौकरी और लड़कियों को पीएचडी तक की मुफ्त पढ़ाई। सरकारी कार्यक्रमों का और फैलाव और एक्सपेंशन, ये इस मैनिफेस्टो के पीछे उद्देश्य। आंध्र प्रदेश में पटरी से उतरी जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस। 39 लोगों की मौत। सूत्रों के मुताबिक साजिश से इनकार नहीं। रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश। उसके पीछे जो भी होंगे उनके खिलाफ सब कार्रवाई की जाएगी। पाबंदी हटने के बाद तमिलनाडु में जलीकट्टू उत्सव में 2 लोगों की मौत। भगदड़ में 28 लोग घायल। एक की डिहाइड्रेशन से मौत। तमिलनाडु के कई शहरों में दौड़े बैल।